वेंकय्य नायडू जीवितं युवतकु आदर्शमनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोनियाडारु। वेंकय्य नायडू तो सुदीर्घकालं पनिचेसे अवकाशं तनकु दक्किंदन्न मोदी केंद्र मंत्रिगा एन्नो विनूत्न पदकालकु श्रीकारं चुट्टारनि पेर्कोन्नारु। अत्यैक परिस्थिति वेळ वेंकय्य नायडू पोराडारनि गुर्तुचेसिन प्रधानि आ समयंलो 17 नेलल जैलु जीवितं गडिपारनि तेलिपारु। वेंकय्य नायडू 75वा जन्मदिनं संदर्भंगा मूडु पुस्तकालनु वर्चुवल् गा प्रधानि विडुदल चेशारु। वेंकय्य नायडू जीवित प्रस्थानंपै प्रचुरिंचिन सेवलो वेंकय्य नायडू जीवितं 13वा उपराष्ट्र वेंकय्य नायडू लक्ष्यं संदेशं महानेता वेंकय्य नायडू जीवितं प्रयाणं पुस्तकालनु आविष्करिंचारु। सिद्धांतपरमैन राजकीयालनु प्रोत्साहिंचालन्न वेंकय्य नायडू चट्टसभलकु एंपिकैन वारु हुंदागा प्रवर्तिंचालनि सूचिंचारु। विलुवलु पाटिस्तू मातृभाषनु प्रोत्साहिस्तू ముందుకు సాగాలని వెంకయ్య ఆకాంక్షించారు। విలువలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత రాజకీయ నాయకులపై ఉందని ఉద్బోధించారు। గ్రామీణ ప్రటణాభివృద్ధి శాఖలో తనదైన ముద్ర వేశారని మోడీ కితాబు ఇచ్చారు। मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देगी, राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएगी। मुझे वेंकैया जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो सरकार में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी थे, जब वो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे, आप कल्पना कीजिए, एक सामान्य से गांव से निकलकर किसान परिवार का एक संतान बड़े बड़े दायित्वों को संभालने की ये इतनी लंबी यात्रा, वेंकैया जी का जीवन, विचार, विजन और व्यक्तित्व की एक परफेक्ट झलक देता है। नायडू जी ने उस दौर में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र प्रथम की भावना से देश के लिए कुछ न कुछ करने का मन बना लिया। जो इमरजेंसी लगाई थी, वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े। वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे, और वेंकैया जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि नायडू जी गांव, गरीब और किसान की सेवा करना था। भारत के आधुनिक शहरों की उनकी कल्पना, अगर मैं उसके विषय में कुछ कहने जाऊंगा तो कई घंटे निकल जाएंगे। वेंकैया जी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना जैसे अनेक अभियान शुरू हुए। वी शुड नॉट बी टेम्प्टेड बाय दिस फ्रीबीज एंड make the people lazy. Yes, we must give them a helping hand. You have been giving free ration to the crores of people across the country. That should continue as long it is required, but at the same time skill development is the need of the hour. You have rightly created a ministry also for the same, and another thing I am very happy, I want you to continue it and promote it further, is promoting Indian languages, promoting mother tongue. I am happy that the Prime Minister of India guided his colleagues to bring textbooks, including professional textbooks, scientific textbooks in mother tongue. The UGC, the AICT has already started that work. All the government orders should be first in Bharatiya Bhasha, first mother tongue, then brother tongue, later any other tongue.